इंसान की इज्जत, इंसान की इज्जत सबसे ज्यादा और नाम सबसे ज्यादा जब पता चलता है जब वो दुनिया छोड़ के जाता है। याद रखना ये बात, इंसान का व्यवहार और इज्जत और नाम तब पता चलता है जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाता है। क्योंकि आपको बता दें, 81 पड़े ब्राह्मण, बुजुर्ग ध्यान देंगे, 81 पड़े ब्राह्मण जब काशी से वापस आ रहे थे, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ करके, तो रास्ते में जब उन्हें अंधेरा हुआ तो एक बुढ़िया माई का घर मिला। वहां वो ठहरे, तो जहां बुढ़िया माई का घर था वहां से शमशान का रास्ता जाता था। ब्राह्मण वहीं रुके तो एक अर्थी निकली। अर्थी जब निकली तो ब्राह्मण ने देखी, बुढ़िया माई ने अपने बच्चे को भेजा, जा देख के आ बेटा, ये आदमी जो मर गया है ये नरक जा रहा या स्वर्ग जा रहा। बच्चा गया और वापस आया, अपनी माँ से बोला, मैया ये जो आदमी मर गया है ना, ये सीधा नरक जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ब्राह्मण देव बड़ी चिंता, और ये 5 वर्ष का बच्चा और इसकी माँ बता देती है कि ये नरक जा रहा है या स्वर्ग। शाम को तो ना ही बोले दादा, सुबह हुआ परीक्षित, एक अर्थी और निकली। बुढ़िया माई ने कहा, जा देख के आ लाला, ये जो मिट्टी जा रही है, अर्थी जा रही है, नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा। लड़का फिर पहुंचा और भाग के अंदर आओ, बोलो मैया ये सीधा स्वर्ग जा रहा है, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। अब और ज्यादा टेंशन, ये कैसे बता सकते हैं कि कौन नरक जा रहा कौन स्वर्ग, रो ना आएगा। पूछ ही ली, मैया हमें बताए दे कैसे जाने। तो बुढ़िया माई बड़े मीठे स्वर में बोली कि हे ब्राह्मण, जवाब दियो राधा ने, अरे पगली, भगवान किसी के बंधन में नहीं है। इतना कहकर के राधा गाय दुहिबे के लई मई खरक में पहुंच गई। भगवान ने राधा को देख के एक बात कही है कि हे राधा, तूने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। तूने जो ये कहा है कि मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, और मैं अगर किसी के बंधन में होता तो इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, मैं किसी के भी घर जाकर के उनकी जीवन पर्यंत तक सेवा करता। कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए बुजुर्गों उम्र और ज्ञान की जरूरत नहीं होती। ना प्रभु उम्र देखते और ना ही ज्ञान देखते हैं कि कितना किसके पास है। अगर कन्हैया उम्र देखते तो ये मीरा जो है ना, ये कोई जब शादी हो गई तब भगवान की भक्ति नहीं बनी। वो तो जब 5 बरस की थी ना, तो इसके गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ, तो जो पंडित जी आए वो गद्दी पर बैठे हाथ उठा के पूछने लगे, अरे यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। तो सबने हाथ उठा के जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देव, किसी को कुछ नहीं पूछना, आप कथा कह रहे हैं, आप आरती कीजिए। आरती होकर के जैसे ही ब्राह्मण देवता नीचे उतरे, पीछे से किसी ने कुर्ता खींचा। पंडित जी बोले, कौन है? देखा पीछे 5 बरस की बच्ची खड़ी।
जिसका नाम है मीरा। वो मीरा ब्राह्मण देव से पूछने लगी। ब्राह्मण बोले, क्या बिस्किट चाहिए? बोले नहीं। चॉकलेट चाहिए? बोले नहीं। प्रसाद चाहिए? बोले नहीं। अरे पंडित जी, बोले मेरी माँ फिर तुझे चाहिए क्या? मीरा ने जवाब दियो, हे ब्राह्मण देव, जिसकी आप कथा कह रहे थे, जिसके आप गुणगान कर रहे थे, हमें बस इतना बता दो कि वो मिलता कहाँ है और दिखने में कैसा है। वो मिलता कहाँ है और दिखने में कैसा है? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि लाड़ो, वो दिखने में ऐसे समझ ले, जब जिसकी बनाई हुई दुनिया इतनी अच्छी है तो बनाने वाला कितना अच्छा होगा। महाराज, वही रंग मीरा पर चढ़ गया और एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है। बोले ही भगवान राधा से कि हे देवी, तूने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। मुस्कुरा के भगवान अंतर ध्यान हुए। राधा ने विचार किया कि अब मैं बिना कन्हैया के किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद करके उसी खरक में लेट गई। काफी देर हो गई, जब राधा निकल के नाए आई तो बाई समय पे कीर्ति को खबर दई है। मैया कीर्ति आई, बड़ी रोई, बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए, लेकिन राधा को ठीक नाए कर पायो। ले लेकर पानी लोटन में और झोंका नीम के डुबो करके सब काली काली कहने लगे, अब उल्टे सीधे हो करके। सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। काफी देर है गई, मैया कीर्ति बड़ी रोई, बोले अब मैं बिना बेटी के कहां जाऊंगी, कहां रहूंगी। और एक बात याद रखना महाराज,